आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल से, जहां पर बंगाल एग्जामिनेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज होनी थी वो रद्द हो गई है। दरअसल आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर बंगाल बोर्ड को लेना है फैसला, कहा यह जा रहा था कि आज फैसला हो जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होना था, लेकिन जो बंगाल एग्जामिनेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रद्द हो गई है। अब देखना यह होगा कि वजह आखिर क्या रही। 11वीं और 12वीं की परीक्षा पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कि आखिर 11वीं और 12वीं के जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तापस सेन गुप्ता न्यूज एशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तापस, बताइए जरा, ये एग्जामिनेशन बोर्ड की जो बैठक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ये रद्द क्यों हुई है? जी देखिए, आज दोपहर को 2 बजे हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन दोनों का एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, जिसमें यह फैसला सुनाया जाता कि अगले 21 महीने या क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स होंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के। लेकिन कुछ ही देर पहले हमें ये इंटीमेट किया गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर, एक कमेटी बनाई जा रही है, जिस कमेटी में जो एजुकेशन मिनिस्टर वो रहेंगे और भी तमाम सीनियर एकेडमिशियंस रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, और ये कमिटी तय करेगी क्या इस समय एग्जाम या फिर परीक्षा होना मुमकिन है या नहीं। उसके ऊपर सोच विचार करने के बाद मुख्यमंत्री के पास एक रिपोर्ट फाइल किया जाएगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या ये एग्जाम होना इस समय संभव है या नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को, तमाम एग्जाम्स को कैंसिल करने के फैसले को सामने रखकर राज्य सरकार भी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए ये फैसला लिया गया और ये फिलहाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिया गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा तापस।